हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। मेरा नाम है ऋषभ और आज हम बात करने वाले हैं एक नई एसयूवी के बारे में, द टाटा H2X, द टाटा हॉर्नबिल। एक ही मिनी एसयूवी है। 2019 में जिनेवा मोटर शो में इसका कॉन्सेप्ट मॉडल दिखाया था और अब ऑटो एक्सपो में इस गाड़ी का प्रोडक्शन मॉडल दिखाया जाएगा और लॉन्च भी इसी साल इस गाड़ी को कर देंगे। कॉम्पिटिशन होगा इसका एस्प्रेसो, क्विड ऐसी गाड़ियों के साथ। प्राइसिंग होगी 4 लाख से 6 लाख एक्स शोरूम ओनली। काफ़ी कम प्राइस में एक अच्छी साइज़ की आपको अच्छी पावर वाली एसयूवी मिलने वाली है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें सारी डिटेल्स जानने के लिए, इंक्लूडिंग द लॉन्च डेट, इंटीरियर फीचर्स, इंजन वगैरह और प्राइसिंग के बारे में और डिटेल्स जानने के लिए एंड तक जरूर देखें। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपका इंटरेस्ट है वायरलेस ईयरफोन्स, डिजिटल ब्रांडेड स्मार्ट वॉच जो बहुत अच्छी बैटरी लाइफ, ये सब सब कुछ आता है, एंड ईयरफोन्स हेडफोन्स वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको थोड़ा सा भी शौक अगर रहता है, तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए एक लिंक है जहाँ पर नॉइस के प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे काफ़ी अच्छे प्राइस पे, डिस्काउंट कूपन भी आपको मिल जाएगा। तो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय देम, चेक द प्रोडक्ट्स राइट नाउ। अब बात करते हैं द टाटा हॉर्नबिल एसयूवी के बारे में। सो इंडियन रोड्स पे इसको देखा जा चुका है। आपको बता दूं कि बेसिकली ये इम्पैक्ट डिज़ाइन 2.0 पे कॉन्सेप्ट होगा इसका, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन होगा एंड जो प्रोडक्शन मॉडल आएगा ऑफ कोर्स, एंड टाटा हैरियर भी इम्पैक्ट डिज़ाइन 2.0 पे, तो आप इस गाड़ी को इजीली बेबी हैरियर का नाम दे सकते हैं। काफ़ी यू नो अपीलिंग अट्रैक्टिव डिज़ाइन होगा, फ्रंट इंटीरियर साइड्स बैक सब कुछ फ्यूचरिस्टिक डेफिनेटली। इंजन की बात करें तो इस गाड़ी में होगा 1.2 लीटर का पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन BS6 ऑफ कोर्स, टाटा डियागो से लिया जाएगा, तो 85 BHP और 113 Nm का टॉर्क ये जनरेट करने वाली है। डीजल इंजन नहीं आएगा, लेकिन पेट्रोल में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की ऑप्शंस दोनों ही अवेलेबल करा दी जाएंगी। AMT, CVT, टॉर्क कन्वर्टर्स नॉट श्योर, बट 99.9% चांसेस इज द AMT। और इसमें आपको माइलेज एक अच्छी मिलेगी क्योंकि इस गाड़ी का साइज़ वेट वगैरह में मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं है, सो माइलेज आपको पेट्रोल इंजन में भी आपको 15-16 सिटी में इजीली इस गाड़ी को दे देना चाहिए। कंपटीशन होगा इस गाड़ी का द एस्प्रेसो, क्विड और महिंद्रा KOV 100 नेक्स्ट जैसी गाड़ियों के साथ, तो और इजीली ये गाड़ी एक अच्छा सामने प्लेटफॉर्म ला सकती है। बिकॉज पर्सनली एस्प्रेसो का डिज़ाइन मुझे पसंद नहीं है, क्विड का डिज़ाइन अच्छा है, लेकिन रिलायबिलिटी की बात थोड़ी सी आ जाती है। क्विड एक गाड़ी अच्छी है, और इसी तरह अगर हम टाटा की H2X हॉर्नबिल की बात करें तो डिज़ाइन, रिलायबिलिटी, प्राइसिंग वगैरह काफ़ी अच्छी इसकी हो सकती है। ऑटो एक्सपो में इसका प्रोडक्शन मॉडल दिखाएंगे। इंटीरियर में आपको इसमें एक 7 इंच की टच स्क्रीन, मैनुअल ऑटोमेटिक मैंने बताया, क्रूज कंट्रोल हो सकता है इसमें आपको मिले, ऑटोमेटिक एसी तो मिलेगा ही, साथ में आपको इसमें लेदर अपहोल्स्ट्री बहुत अच्छी मिलेगी। सनरूफ इसमें एक आया था, सोर्स आया था, बट मैं नहीं मानता, मत मानिए उस बात पे, एक रूमर आया था कि सनरूफ आएगी, मुझे नहीं लगता इसमें सनरूफ आएगी, काफ़ी अजीब लगेगी थी छोटी सी गाड़ी में सनरूफ वैसे, बट लेट्स सी। उसके साथ साथ अगर मैं और फीचर्स की बात करूँ तो बेसिक फीचर्स आपको सारे मिलेंगे, इंक्लूडिंग द रियर एसी वेंट्स, रियर पार्सल ट्रे, सामने की तरफ आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, एनालॉग आपको डिजिटल हाफ डिजिटल MID वगैरह मिलेगी, इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, टच स्क्रीन, ऑटोमेटिक एसी, कूल्ड ग्लव बॉक्स मे बी, तो इस तरह के फीचर्स आपको इस मिनी एसयूवी में सारे मिलेंगे। डायमेंशंस की बात करें तो मैं आपको एस्प्रेसो के साथ यहाँ पर इसका कंपैरिजन दिखा देता हूँ। इंजन पावर्स भी यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं वैसे दोनों गाड़ी के, और आप मुझे बताएं क्या आप टाटा हॉर्नबिल के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं, एक्साइटमेंट को दिखा सकते हैं नीचे कमेंट में। अब साथ में एक्साइटमेंट को और ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताऊं कि जो इस गाड़ी का लॉन्च है वो होगा अगस्त, सितंबर या अक्टूबर मैक्सिमम 2020 में ही, इसमें इनके आसपास इस गाड़ी को कम्प्लीटली इंडियन मार्केट के लिए अवेलेबल करवा दिया जाएगा। बुकिंग्स इसकी जून जुलाई में शुरू हो जाएंगी, प्रोडक्शन मॉडल अभी यहाँ पर आ जाएगा, सारी स्पेसिफिकेशंस आपको चैनल पर मिल जाएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आप इस तरह की एक गाड़ी में इंटरेस्टेड हैं तो, बिकॉज इसका प्राइस जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, ओनली 4-6 लाख्स, बस कुछ भी नहीं, एक शोरूम प्राइस पे ये गाड़ी लॉन्च हो जाएगी बहुत जल्द। तो ये था मेरी तरफ से टाटा हॉर्नबिल के बारे में लेटेस्ट डिटेल्स। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, सो लाइक, कमेंट, शेयर दिस वीडियो एंड हेल्प मी टू ग्रो दिस चैनल। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन ड्राइव सेफ एंड टेक केयर, बाय बाय।